अजब गजब घर जमाई। अरे एक दो ग्लास से मेरा कुछ होता ही नहीं है। और ले लीजिए ना जी। कृष्णा जमाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका के लिए हम बहुत चिंतित थे, लेकिन उसे आप सही सलामत घर ले आए। ये तो मेरा फर्ज था। कृष्णा जी, आपने तो अपनों से भी बढ़कर फर्ज निभाया है, वरना चिंटू जी तो अपना फर्ज निभाना ही भूल गए। डॉली जी, भाई अगर मैं अपना फर्ज नहीं भूलता तो ये पार्टी होती क्या? होती क्या नाना जी, बताओ आप। और आप लोग इनको याद रख पाते? अरे भाई हम तो याद रखते हैं भाई, हमारे लिए इतनी बढ़िया बढ़िया कृष्णा जी मिठाई लेके आए थे, लड्डू कितने बढ़िया लाए, हम तो याद रखते हैं। वो भी शुगर फ्री? शुगर, हाँ शुगर फ्री। मिठाई लेके आता हूँ नाना जी आपके लिए, ऐसी बात थोड़ी बनेगी। बहुत भैया, पन्ना जी क्यों बर्तन फेंक रहे हो? पन्ना जी कहाँ हैं? जरूर मिठाई खा रहे होंगे चोरी से, आज इनकी खैर नहीं। एक मिठाई नहीं छोड़ी आपने फ्रिज में। खाली आ गए हो? तो खाली क्या, फ्रिज में कुछ है ही नहीं। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप सबने मेरे लिए फेयरवेल पार्टी रखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझ जैसे अकेले रहने वाले इंसान को ये पता भी नहीं था कि परिवार का प्यार क्या होता है। देखिए ना कितना खुश नसीब हूँ मैं यहाँ आके आप सबसे मिलकर, कि आप जैसे इतने बड़े परिवार का मुझे प्यार मिला। मुझे आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी मुझे जगदम्बे नानी से मिलकर। शकुंतला नानी जी हमेशा उनकी बात करती थी, कहती थी कि तेरी जगदम्बे नानी स्वभाव से तो बहुत गुस्से वाली। यही कहती थी कि उनका स्वभाव गुस्से वाला जरूर है, कि मन एकदम एकदम साफ, गंगा की तरह पवित्र। जगदम्बे नानी ने उन्हें माँ की तरह पाला, हमेशा यही कहती थी कि मैं तो शायद बड़की से नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन तू जरूर मिलेगा, तेरी आंखों से मैं बड़की को जी भर के देख लूंगी। सुनो, तुम्हारी जाने की सारी तैयारी हो चुकी है? जी जी नानी जी, हाँ हो गई। भी आपसे बात की मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपनी मॉम से बात कर रहा हूं। जब भी मैं वो भजन सुनूंगा ना बहुत याद आएगी। आपको छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं कर, कि शायद मेरी किस्मत में आपका प्यार है ही नहीं। विवाह पंचमी की मिठाई अमेरिका जरूर भेजेगा, और हाँ याद रहे ज्यादा भेजेगा, राम जी का बराती हूं। मैं याद है कृष्णा जमाई जी, चले जाइएगा तो आपकी बहुत याद आएगी। सासू जी, डॉली जी, आपके साथ जितने भी सीरियल देखे बहुत याद आएंगे, इसलिए नहीं क्योंकि वो सीरियल बहुत अच्छे थे, इसलिए क्योंकि आपके साथ देखने में बहुत अपनापन सा लगा। डॉली जी, वैदेही बहू की तरह हमेशा इस परिवार को बांध के रखिएगा। और बेटा तुम अच्छे से पढ़ाई करना, हमेशा स्कूल के बच्चों के साथ रहना, गुम मत होना।
बड़े लाल जी, आपने इस घर में मुझे वो सब कुछ दिया जिसकी मुझे जरूरत थी, धन्यवाद। नाना जी, मैंने कभी अपने नाना जी को नहीं देखा, जब से आपसे मिला हूं कान्हा जी से लड़ने का मन कर रहा है। मेरे सर पर उन्होंने नाना जी का सहारा क्यों नहीं दिया? नाना जी, आपने अपने से एक दिन में मुझे बहुत प्यार दिया। एक मिनट, नाना जी ये देखिए, मथुरा के एक मिठाई वाले का कार्ड है, ये शुगर फ्री मिठाई बनाता है, आप जी भर के मिठाई खा सकते हैं। मेरी तरफ से रिटर्न गिफ्ट। लेकिन बेटा, मैंने तो कोई तुम्हें गिफ्ट दिया ही नहीं है। दिया है नाना जी, इस दुनिया की सभी मिठाइयों से मीठी, अपने प्यार की मीठी मीठी यादों का डब्बा। चिंटू जी, आपका तो मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम। अरे आपने तो अपने हिस्से की खुशियां भी मेरी झोली में डाल दी। आप मेरे साडू भाई नहीं, मेरे सगे भाई से भी बढ़कर है। नानी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन के लिए से आपने मुझे इस परिवार का प्यार महसूस करने का मौका तो दिया। आप ठीक कहती थी नानी जी, हमारा कोई रिश्ता नहीं। वो इसलिए नहीं क्योंकि शकुंतला नानी इस परिवार का हिस्सा नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने इस परिवार में जन्म नहीं लिया। कान्हा जी से बस अब यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में मुझे ऐसे शक्तिशाली परिवार का हिस्सा बनाए। अजाब गजाब